हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं एल्विस यादव की लाइफ पर। बात की जाए एल्विस के कंटेंट की तो कुछ समय पहले एल्विस कॉमेडी क्रिएटर के रूप में जाने जाते थे, लेकिन आजकल वो कॉमेडी के साथ साथ निडर अंदाज में किसी भी चीज़ का खुल के विरोध करने के लिए भी जाने जाते हैं। एल्विस यादव का सेकेंड चैनल है एल्विस यादव व्लॉग नाम से, और इस चैनल से एल्विस का अलग ही चेहरा सामने आया है और अब वो कॉमेडी क्रिएटर के साथ साथ कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएटर भी बोले जाने लगे हैं। एल्विस का ये अंदाज फैंस को पसंद आ रहा है, पर साथ ही उनके हेटर्स भी काफ़ी बढ़ गए हैं। एल्विस कॉमेडी रोस्टिंग के अलावा उनके क्यूट लुक के लिए भी काफ़ी पसंद किए जाते हैं और बहुत सी लड़कियों के वो क्रश भी हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। एल्विस का जन्म 14th ऑफ सितंबर 1997 में हरियाणा गुरुग्राम में हुआ था। एल्विस के पापा का नाम राम अवतार यादव है, जो कि एक प्रोफेसर हैं। उनकी मां का नाम सुषमा यादव है। एल्विस की फैमिली में चार लोग हैं। मां पापा के अलावा एल्विस की एक सिस्टर भी हैं। एल्विस को अपनी फैमिली से हमेशा सपोर्ट रहा है। एल्विस के पापा स्टार्टिंग में उन्हें ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन फेमस होने के बाद पूरी फैमिली से फुल सपोर्ट मिलने लगा। करियर को लेकर तो उनके पापा ने कुछ भी करने की आज़ादी दी थी, लेकिन गलत कामों के लिए वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। ये उसी का नतीजा है कि एल्विस नशा वगैरह से हमेशा दूर रहे हैं। एल्विस ने अपनी स्कूली पढ़ाई एमिटी इंटरनेशनल स्कूल से की। एल्विस एक ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे। उन्होंने 12th में 94% अंक हासिल किए थे। वो बताते हैं जब वो 12th में थे तो उन्होंने बहुत मेहनत की थी। स्कूलिंग करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज से उन्होंने बीकॉम किया। मैं तुम्हें बता दूं अपनी, मेरे घर वाले कह करते हैं भाई 12वीं कर ले, लाइफ सेट है। मैंने 12वीं कर ली, फिर कहते हैं तू कॉलेज खत्म कर ले, लाइफ पक्का सेट है। मैंने कॉलेज भी खत्म कर लिया, स्कूल भी खत्म कर लिया, लाइफ तो दूर की बात, यहाँ बहन के बाल भी सेट ना हुए। एल्विस ने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही इंस्टाग्राम वाइंस बनाना स्टार्ट कर दिया था। ये बात 2016 की है। उस टाइम आशीष चंचलानी और हर्ष बेनीवाल काफ़ी फेमस क्रिएटर थे, तो उन्हीं से इंस्पायर होकर एल्विस ने वीडियो बनाना स्टार्ट किया। एल्विस का पहला वीडियो आशीष चंचलानी का कॉपी वीडियो था। इंस्टाग्राम के बाद उन्होंने फेसबुक पेज पर वीडियो डालना स्टार्ट किया। फेसबुक पर उनके वीडियो काफ़ी पसंद किए जा रहे थे, जिससे उनकी कुछ फेस वैल्यू बन गई थी। कुछ टाइम फेसबुक और इंस्टाग्राम पर वीडियो डालने के बाद उनके दोस्तों ने बताया कि तुम यूट्यूब पर भी वीडियो डाला करो, वहां फेम के साथ साथ अर्निंग भी काफ़ी होगी। फिर एल्विस ने यूट्यूब पर वीडियो डालना स्टार्ट किया। जब एल्विस ने यूट्यूब पर वीडियो डालना शुरू किया था, तब प्रैंक वीडियो का ट्रेंड काफ़ी चल रहा था, तो एल्विस ने यूट्यूब पर प्रैंक वीडियो से शुरुआत करी। उन्होंने यूट्यूब पर 3-4 प्रैंक वीडियो डाले, लेकिन उनके प्रैंक वीडियोस पर व्यूज ना के बराबर आए। एल्विस ने बताया कि सच तो ये था कि मैं प्रैंक ठीक से नहीं कर पा रहा था। ये वीडियो अब उनके चैनल पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने ये वीडियो प्राइवेट कर दिए हैं। प्रैंक नहीं चलने पर एल्विस ने यूट्यूब पर भी वाइंस बनाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन वाइंस पर भी कोई खास व्यूज नहीं आ रहे थे। उन्होंने कई वीडियो अपलोड किए, पर उनके वीडियोस पर 1500 से 2000 व्यूज से ज़्यादा नहीं आ रहे थे। तब वो अपने वीडियो में शुद्ध हिंदी का प्रयोग कर रहे थे। वीडियो बनाते बनाते एक साल हो गया। सक्सेस न मिलने के कारण उन्होंने यूट्यूब छोड़ने का मन बना लिया। एक दिन वो अपने एक फ्रेंड के साथ बैठे थे, तभी उन्होंने डिसाइड किया कि चलो एक लास्ट वीडियो बनाते हैं, जिसमें हम अपनी हरियाणवी लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। उन्होंने अपनी भाषा में वीडियो बनाई, जिसका टाइटल था गुड फ्रेंड बैड फ्रेंड। एल्विस का ये वीडियो वायरल हो गया। इससे पहले भी उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, लेकिन ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ, जिसने कुछ ही दिनों में 1 मिलियन व्यूज क्रॉस कर लिए। इसके बाद एल्विस में वीडियो बनाने की एक अलग ही एनर्जी आ गई। उनके हरियाणवी लैंग्वेज के वीडियो लोगों को बहुत पसंद आ रहे थे। उन्होंने पहले 100K, फिर 500K, फिर 1 मिलियन सब्सक्राइबर क्रॉस किए, और आज वो कहाँ हैं ये सब जानते हैं। जब एल्विस से पूछा गया कि तुम्हारा कॉम्पिटिटर कौन है, तो उन्होंने बोला मेरा कंपटीशन मुझसे ही है, मैं खुद को कल से बेहतर बनाने की कोशिश करता रहता हूँ। एल्विस की यूट्यूब क्रिएटर टीम में हाफ इंजीनियर कीर्ति मेहरा, हनी शर्मा, अवनीश और जतिन शर्मा हैं। ये सभी उनके कॉलेज फ्रेंड हैं। वैसे तो एल्विस खुद को सिंगल बताते हैं,
पर कीर्ति मेहरा को कई फैंस एल्विस की गर्लफ्रेंड भी बोलते हैं। ये वही कीर्ति मेहरा हैं जो एल्विस के वीडियोस में काफ़ी नज़र आती हैं और उन्हें एल्विस द्वारा दिए हुए नाम पागल सी से भी जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं एल्विस और कीर्ति की फ्रेंडशिप कैसे हुई। उस दिन तो बड़ी इंग्लिश बोलने लग रहा था, अब क्यों हिंदी में बात कर रहा है? यार मैंने तो लगे करता सारी छोरी इंग्लिश था पटा है, तो तुम्हारी जैसी निकली गति। बाकी देश चाह रहे हैं कि उनकी भाषा पूरी दुनिया बोले और हम हिंदुस्तानियों के अपनी हिंदी भाषा बोलने में शर्मा रहे हैं। यार यो बात बोल के ना तेरी कसम तेन दिल जीत लिया, और अब तेरे सेट टिकना, अब तेरे सीधा ब्याह करूं। एल्विस और कीर्ति की मुलाकात उनके कॉलेज में हुई थी। कीर्ति डिफरेंट कोर्स में थी, मतलब वो एल्विस की क्लासमेट नहीं थी। एल्विस ने कीर्ति को 3-4 बार कॉलेज में देखा था। एल्विस को कीर्ति से फ्रेंडशिप करनी थी क्योंकि उन्हें वो अपने जैसी लगी। एक दिन कीर्ति को थोड़ा फीवर था तो वो क्लास बंक करके बैठी थी, तो एल्विस उनके पास गए, बात की और वहाँ से उन दोनों की फ्रेंडशिप हो गई, जो दिन प्रतिदिन गहरी होती चली गई। एल्विस की पूरी टीम के अपने अपने यूट्यूब चैनल हैं। कीर्ति मेहरा का पागल सी नेम देसी बॉयफ्रेंड वीडियो शूट होने के दौरान पड़ा था। यूट्यूब पर और इंटरनेट पर एल्विस काफ़ी तेज़ी से फेमस होते जा रहे थे, लेकिन साल 2019 में टिकटॉक का ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए एल्विस की रफ्तार में बहुत गिरावट आ गई। एल्विस खुद बोलते हैं कि मेरी काफ़ी ऑडियंस टिकटॉक पर चली गई। साल 2019 के एंड में एल्विस ने एक व्लॉग चैनल बनाया जिस पर उन्होंने रोस्टिंग करना स्टार्ट कर दिया। 18 अप्रैल 2020 को उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें वो कई फेमस टिकटॉकर्स को रोस्ट कर रहे थे। उनके इस वीडियो का रिप्लाई कुछ टिकटॉकर्स ने दिया जिसमें मेन थे आमिर सिद्दीकी। इसके बाद एक अलग ही कंट्रोवर्सी शुरू हो गई जिसको नाम मिला यूट्यूबर से टिकटॉक। यहाँ से एल्विस को एक अलग ही पहचान मिलने लगी। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड नेपोटिज्म वीडियो बनाकर ये साबित कर दिया कि वो किसी से डरते नहीं हैं। उनके इन वीडियोस से उनके हेटर्स भी काफ़ी बढ़ गए, पर एल्विस यादव उन लोगों में से नहीं हैं जो हेटर्स के डर से सच बोलना छोड़ दें। चलिए दोस्तों एल्विस के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें जान लेते हैं। एल्विस यादव शुरुआत में अमित बड़ाना के वीडियोस में भी आए थे, पर किसी रीजन की वजह से अमित ने वो वीडियो अपने चैनल से हटा दी। एल्विस को स्टार्टिंग में अमित बड़ाना और हर्ष बेनीवाल से भी सपोर्ट मिला था। एल्विस के फेवरेट यूट्यूबर डीनो जेम्स, हर्ष बेनीवाल, अमित बड़ाना और आशीष चंचलानी हैं। एल्विस यादव बताते हैं कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर अचीव करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। एल्विस पार्टी वगैरह नहीं करते, अगर कभी सेलिब्रेट करना हो तो घर पर ही कोल्ड ड्रिंक वगैरह से दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कर लेते हैं। एल्विस यादव ने एक सॉन्ग भी किया है जिसका टाइटल है हॉली हॉली। ये सॉन्ग देसी रिकॉर्ड यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है जिस पर अब तक 7 मिलियन से ज़्यादा व्यूज आ चुके हैं। एल्विस यादव का बचपन में सिद्धार्थ नाम था, जब वो थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने इसे बदलकर एल्विस कर लिया। एल्विस ने जब यूट्यूब स्टार्ट किया था तब वो चाहते थे कि वो बॉलीवुड में जाएं, लेकिन अब बॉलीवुड का नेपोटिज्म और परिवारवाद देखकर उन्हें बॉलीवुड से नफरत सी हो गई है। इसके ऊपर वो वीडियो भी बना चुके हैं। एल्विस टिकटॉक को हेट करने के लिए भी जाने जाते हैं, पर वो असल में क्रिंज कंटेंट को हेट करते हैं। वो कहते हैं कि टिकटॉक पर वो ही लोग ज़्यादा फेमस होते हैं जो ज़्यादा मेहनत न करके सिर्फ लिपसिंग करते हैं। एक टिकटॉकर सिया कक्कर जिन्होंने सुसाइड कर ली, वो एल्विस के वीडियो में आने वाली थी। एल्विस ने उसके साथ भाई बहन का वीडियो प्लान किया था। सिया की मौत की खबर सुन के वो काफ़ी शॉक्ड हो गए थे। एल्विस जब 11th की पढ़ाई करके 12th में गए तो उन्होंने अपने पापा से बोला कि मुझे आईफोन चाहिए, तो उनके पापा ने बोला अगर तुम 12th में 90% से ज़्यादा अंक हासिल कर लो तो तुम्हें आईफोन दिलाएंगे। उस साल एल्विस ने बहुत मेहनत की और 12th में 94% अंक हासिल किए, वो टॉपर की लिस्ट में आ गए। एल्विस के पापा चाहते थे कि एल्विस गवर्नमेंट जॉब करें, इसलिए उन्हें शुरुआत में अपने पापा से कम सपोर्ट मिला, लेकिन बाद में वो फुल सपोर्ट करने लगे। एल्विस हंसते हुए बताते हैं कि अगर मैं बॉलीवुड स्टार भी बन जाऊँ तो भी मेरे पापा चाहेंगे कि मेरा बेटा गवर्नमेंट जॉब करे। एल्विस का सबसे पॉपुलर वीडियो स्कूल लाइफ देन वर्सेस नाउ है जिस पर 27 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं। बात करें एल्विस की अर्निंग की तो वो लगभग 8 से 10 लाख रुपए सिर्फ यूट्यूब से ही कमा लेते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक की अर्निंग अलग है। एल्विस के पास ऑडी कार है जो उन्होंने खुद की कमाई से ली है।
एल्विस की फेमस डायलॉग चाचा बदनाम है, फूफा बदमाश है। वो बताते हैं कि मेरे फूफा बदमाश नहीं हैं और मेरे कोई चाचा ही नहीं हैं। कीर्ति मेहरा बताती हैं कि शूटिंग के टाइम एल्विस कुछ नहीं खाते, जिससे वो काफ़ी चिड़चिड़े हो जाते हैं। कीर्ति ने ये भी बताया है कि एल्विस काफ़ी हार्ड वर्कर, इमोशनल और रियल हैं। एल्विस का जब कभी भी मूड ऑफ होता है तो वो अपनी मम्मी को बताते हैं, वो कैसे भी करके मूड ठीक कर देती हैं। एल्विस को अगर कोई नेटफ्लिक्स वगैरह वेब सीरीज का ऑफर आए तो वो जरूर करना चाहेंगे, अगर स्टोरी अच्छी हुई तो। दोस्तों, ये थी बायोग्राफी एल्विस यादव की। उनकी लाइफ से ये सीखने को मिलता है कि सक्सेस कोई जादू नहीं है जो एकदम से मिल जाए, सक्सेस होने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो इसी प्रे के साथ कि एल्विस अपनी लाइफ में जो चाहें वो अचीव करें, हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करना चाहेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स।